हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सचिन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल फ्यूचर टेक। और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ स्टील बर्ड एयर SBA2 हेलमेट की अनबॉक्सिंग। पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया था, इसका कलर है वो डिफरेंट और ग्राफिक्स हैं वो भी डिफरेंट है। तो करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग, वीडियो को देखिएगा अंत तक और देखिए ये चीज़ आपको पसंद आती है या नहीं पसंद आती है। सारी डिटेल्स हम आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले करते हैं इसकी हम सील है वो ब्रेक और उसके बाद मैं आपको बताता हूँ इसके आगे के जो फंक्शंस हैं वो। ये मिल जाता है हमें हमारा मैन है वो हेलमेट और बॉक्स है पूरा बाकी का खाली। तो इसको निकालते हैं हम और ये है हेलमेट इस ग्राफिक्स स्टील बर्ड एयर 7 विंग्स के साथ। ये जो ग्राफिक्स है ये बस इसमें डिफरेंट दिया गया है जो कि है काफ़ी थोड़ा सा अलग लगता है, कूल लगता है देखने में और बाकी तो वही सब कुछ सेम है, एकदम सेम टू सेम है, कोई डिफरेंस है नहीं पहले वाले हेलमेट से। और 7 विंग्स में बस यही है, 2 विंग्स ये, एक ये 3 और 4 ये विंग्स ये हो गई। तो ये टोटल 7 विंग्स का बस एक ग्राफिक दे दिया इसमें एक्स्ट्रा। और अगर नॉर्मल हेलमेट की हम बात करें तो जो नॉर्मल वाला हेलमेट है वो आता है यहाँ 7 विंग्स वाले ग्राफिक्स को छोड़ के, स्टील बर्ड एयर लिखा हुआ दोनों साइड में। तो ये दोनों लगभग सेम है, इनमें कोई खास डिफरेंस है नहीं, बस ग्राफिक्स का है वो इनमें डिफरेंस है। तो बस यही मैं आपको दिखाना चाहता था, बाकी काफ़ी कूल है, एयर है वो इसमें काफ़ी अच्छे से पास होती है, मैंने काफ़ी यूज़ भी किया इसको। और ये जो है इसका मुझे ग्राफिक्स काफ़ी अच्छा लगा तो अब मैं ये यूज़ करने वाला हूँ। और साथ में हमें इसका एक ये वारंटी कार्ड वगैरह मिल जाता है, रजिस्टर करना होता है इसको, कैसे रजिस्टर करें ये लिखा हुआ है इसके अंदर। बात करते हैं इसकी ड्यूरेबिलिटी का, तो मटेरियल है वो काफ़ी हार्ड है और अंदर से भी काफ़ी फोम जो है वो एकदम सॉफ्ट है और गर्दन के पीछे कोई भी किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम ना हो इसलिए ये यहाँ एक लेदर टच दिया गया है तो ये आराम से गर्दन पे है वो सूट होता है। तो ये जो वाइजर है इसका मैं उतारता हूँ, ये अगर हमें इसके साथ सिल्वर वाइजर के साथ अगर हमें क्लियर वाइजर भी चाहिए तो वो हमें मिल सकता है 100 या 200 रुपये अधिक देके। और इसमें हम एक नाइट विजन का भी ऑप्शन आता है कि एक वाइजर आएगा वो सिर्फ नाइट विजन के काम आएगा, डे और नाइट दोनों के लिए, तो वो भी काफ़ी अच्छा हो सकता है। और प्राइस की अगर मैं बात करूँ तो इनकी प्राइस है 2100-2200 से लेके 3000 रुपये तक की। प्राइस जो है वो वेरी करता है इस वाइजर के कलर पे और हेलमेट के कलर पे, और एक वाइजर ले रहे हो या दो वाइजर ले रहे हो आप उस चीज़ के ऊपर। बाकी जो हेलमेट है वो काफ़ी अच्छा है और कोई दिक्कत वाली इसमें मुझे लगा नहीं, एकदम फुल कम्फर्टेबल है, मैंने काफ़ी यूज़ किया है और दिखने में काफ़ी कूल लगता है ये, मतलब एकदम अलग सा है, यूनिक सा है। तो मेरे हिसाब से ये एक अच्छा हेलमेट है, मजबूती भी अच्छी है, अंदर पसीना भी नहीं आता है, एयर के पास होने के लिए भी काफ़ी सारी विंग्स हैं। तो मुझे इस कुल मिला के ये काफ़ी अच्छा हेलमेट लगा। अगर आपका बजट 2000 से ऊपर का हेलमेट लेने का है तो आप ये ऐसा स्टील बर्ड एयर SBA2 हेलमेट ले सकते हो। ग्राफिक्स के दो ऑप्शन मिल जाएंगे, नॉर्मल स्टील बर्ड और 7 विंग्स का। यही थी इस मैट मैरून हेलमेट की अनबॉक्सिंग। वीडियो देखने के लिए थैंक यू, चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।